नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवंस पर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो आज भी ड्रीम इलेवंस ने एक और नया चेंजेस किया अपने रूल्स में। बहुत ही अच्छा चेंजेस है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो चेंजेस है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले एक टीम के ज्यादा से ज्यादा 7 प्लेयर्स लेकर चल सकते थे और कम से कम 4 प्लेयर्स लेकर चल सकते थे, लेकिन अब आप एक टीम के 10 प्लेयर्स अपनी टीम में लेकर चल सकते हो और दूसरी टीम से केवल एक प्लेयर्स भी आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। एक तो चेंजेस ये किया गया। दूसरे चेंजेस की बात करें तो दोस्तों, पहले आप विकेट कीपर में 1 से 4 विकेट कीपर ले सकते थे, बैट्समैन ऑप्शन में 3 से 6 बैट्समैन ले सकते थे, उसी प्रकार ऑलराउंडर में आप 1 से 4 ऑलराउंडर ले सकते थे और बॉलर्स में 3 से 6 बॉलर्स लेकर ले सकते थे। लेकिन अब आप किसी भी हेड में कम से कम एक प्लेयर्स को लेते हुए 8 प्लेयर्स तक ले सकते हैं, जैसा कि आप विकेट कीपर में भी 8 ले सकते हैं, बैट्समैन आप 8 अपनी टीम में ले सकते हैं। उसी प्रकार जैसे पहले ऑलराउंडर 1 से 4 लेकर चल सकते थे, अब 1 से लेकर 8 तक आप अपनी टीम में ऑलराउंडर लेकर चल सकते हैं और 1 से 8 तक आप अपनी टीम में बॉलर्स लेकर चल सकते हैं। मैं आपको चलो ड्रीम इलेवन ओपन कर लेता हूं, आप लोगों को बता दूं कि मैं किस तरह से, यानी कि किस तरह से ये बदलाव हुए हैं और किस तरह से आप अपनी टीम अब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ड्रीम इलेवन ओपन कर लिया है, जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। इसमें टीम देख लेते हैं कि कैसे बन रही है और कितने बैट्समैन ले सकते हैं। ये पहले का है, अपडेट से पहले का। तो इसमें मैं क्रिएटिव टीम करता हूं, तो आप यहां पर देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ सेलेक्ट 1 से 4 विकेट कीपर, यानी कि हम 1 से 4 विकेट कीपर ले सकते हैं। और चेंजेस क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये पहले है, इसमें हम एक विकेट कीपर ले लिया, बैट्समैन हम 3 से 6 ले सकते हैं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ, तो हम 3 से पहले 6 ही बैट्समैन ले सकते थे, 4 ले लिए, 5 ले लिए। उसी प्रकार ऑलराउंडर 1 से 4 ले सकते थे और बॉलर्स हम 3 से 6 लेकर चल सकते थे। तो पहले ये टीम थी हमारी, और एक टीम के हम ज्यादा से ज्यादा पहले कितने प्लेयर्स लेकर चल सकते थे, 7, और दूसरी टीम के 4, ये हम लेकर चल सकते थे। तो ये होती थी पहले हमारी टीम, कुछ इस प्रकार से बनती थी। और दोस्तों, जो अब चेंजेस हुआ है मैं आपको बता देता हूं। जो चेंजेस 22 जनवरी से लागू होगा और 8 फरवरी तक ये चेंजेस रहने वाला, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या भविष्य में आगे भी ड्रीम इलेवन इस रूल्स को अप्लाई करेगा या नहीं करेगा वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 22 जनवरी से 8 फरवरी तक आपको ये रूल्स देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से मैं मैच ओपन कर लेता हूं 22 जनवरी से जो मैच स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, ये बिग बैश लीग चली हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं न्यू टीम क्रिएशन रूल्स अप्लाई फॉर दिस मैच, यानी कि इस मैच के लिए जो नए रूल्स हैं इनके वो अप्लाई होंगे। तो कौन से वो रूल्स है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। मैं यहां से क्रिएट टीम कर लेता हूं और आपके पास भी ये नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप यहां पर देख भी पाएंगे, एक नोटिफिकेशन भी आएगा आपके ऊपर जब आप क्रिएट टीम करेंगे कि कब से कब तक, यानी कि 22 जनवरी से 8 फरवरी तक ये रूल चालू है। आप मिनिमम 1 प्लेयर्स ले सकते हैं एक हेड में और 8 प्लेयर्स ले सकते हैं और एक टीम से आप 10 प्लेयर्स भी ले सकते हैं। तो ये रूल्स आपके सामने आ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये रूल आने वाले हैं। तो इस टीम में दोस्तों हम कैसे ले सकते हैं, आप देख रहे हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन कोई भी यहां पर है नहीं, तो यहां पर मैंने एक विकेट कीपर ले लिया, या 2 ले लो या 3 ले लो, कितने भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां से एक ही विकेट कीपर लिया। बैट्समैन दोस्तों जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और पहले 6 ही बैट्समैन ले सकते थे, अब मैंने यहां पर 7 और 8 बैट्समैन ले लिए, यानी कि ये हमारी टीम हो सकती है जो चेंजेस हुआ। और हम फिर ऑलराउंडर 1 ले सकते हैं और बॉलर्स 1 ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी टीम बन सकती है, जो नए रूल्स के हिसाब से हम टीम बना सकते हैं। यानी कि आप चाहो तो बैट्समैन 7 करके ऑलराउंडर 2 ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो बैट्समैन को सिर्फ एक ही बैट्समैन भी ले सकते हो, जैसा कि पहले आपको मिनिमम 1-3 बैट्समैन तो लेने थे, लेकिन अब आप 1 बैट्समैन भी ले सकते हो और बॉलर्स आप 7-8 ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैं यहां पर आपको लेकर दिखा रहा हूं। तो अब हम 8 बॉलर्स के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंडर आप 8 लेना चाहें तो ऑलराउंडर भी आप इनको कम करके 8 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, यानी कि पहले सिर्फ 4 ही ऑलराउंडर तक हम अपनी टीम में जा सकते थे, 4 ही ऑलराउंडर अपनी टीम में ले सकते थे। एक तो ये हो गया, यानी कि विकेट कीपर आप 8 ले सकते हैं, बैट्समैन आप 8 ले सकते हैं,
बॉलर आठ ले सकते हैं, ऑलराउंडर आठ ले सकते हैं, लेकिन बाकी एंड में फिर आपको एक एक प्लेयर तो हर कैटेगरी में लेना होगा, विकेट्स कीपर में एक लेना होगा, बैट्समैन में आठ ले रहे हो तो फिर ऑलराउंडर और बॉलर्स में एक एक तो आपको लेना ही होगा, जो मिनिमम है कम से कम, ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, एक एंड में आठ तक अब ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों चेंजेस जो हुआ, जैसे कि पहले हम एक टीम के सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सात ही प्लेयर्स लेकर चल सकते थे, जैसे कि अब मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं, तो मैं एक टीम से जैसे मैं एसटीए की तरफ से अब 10 प्लेयर्स लेकर चलने वाला हूं, यहां से मैंने दो प्लेयर्स ले लिए, या बैट्समैन में आप अपने हिसाब से भी कम ले सकते हो ज्यादा ले सकते हो, तो यहां पर मैंने 6 प्लेयर्स एसटीए के ले लिए और ऑलराउंडर्स में से भी मैंने 2 प्लेयर्स एसटीए के ले लिए और बॉलर्स मैंने 2 प्लेयर्स एसटीए के ले लिए। तो ये होगा दोस्तों टीम का प्रयोग, इसमें मैंने एक टीम के 10 प्लेयर्स सेलेक्ट कर लिए जबकि दूसरी टीम से मैंने सिर्फ एक ही प्लेयर्स को सेलेक्ट किया हुआ, यानी कि आप एक टीम के अब ये नहीं कि सात ही प्लेयर्स लेने हैं चार ही प्लेयर्स लेने, आप एक टीम के 10 प्लेयर्स ले सकते हैं, एक टीम के आप पांच भी ले सकते हैं, सात भी ले सकते हैं, आठ भी ले सकते हैं। उसी प्रकार बैट्समैन ऑलराउंडर में आप आठ बैट्समैन ले सकते हैं, आठ ऑलराउंडर ले सकते हैं, आठ बॉलर्स अपनी टीम में ले सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जो फीचर्स आया ड्रीम इलेवन का, हाँ अभी तक ये 22 जनवरी से 8 फरवरी तक ही लागू रहेगा, उसके बाद देखते हैं ड्रीम इलेवन में इसी को अप्लाई किया जाता है या फिर कोई और रूल्स एंड कंडीशन आते हैं। बाकी कमेंट्स में बताना कि आपको ये रूल्स इसके कैसे लगे कि आप एक 10 टीम से खेल सकते हैं, यानी कि एक टीम में 10 प्लेयर्स ले सकते हैं, पहले सात ले सकते थे बैट्समैन, अब आप ज्यादा ले सकते हैं, आठ तक ले सकते हैं, ऑलराउंडर जहां पर पहले चार ले सकते थे आप आठ ले सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में बताना कि ये रूल्स कैसा रहेगा आपके लिए अच्छा, क्योंकि अब आपको लॉस और प्रॉफिट होने के चांसेस वो आपकी क्रिएटिव, आप किस तरह से अपनी टीम बना रहे, टीम को ध्यान में रखते हुए पिच को देखते हुए अब आप इनसे एक अच्छा खासा बेनिफिट भी ले सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। ग्रैंड लीग जीएल आपके लिए एक यानी कि अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि बहुत से भाइयों को पता नहीं है, कंफ्यूजन रहेंगे कि भाई कितने ले, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान में रखते हुए पिच रिपोर्ट्स को देखो कि पिच रिपोर्ट्स कैसी है, उसके हिसाब से आप बैट्समैन आठ लेने हैं या ऑलराउंडर आठ लेने हैं, तो यानी कि आप एक अच्छे से यूनिक टीम बना सकते हो। और दोस्तों आपको कमेंट्स में जरूर बताना कि ये फीचर्स आपको कैसे लगे, ड्रीम इलेवन ने ठीक किया यानी कि कुछ चेंजेस किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ अच्छा किया या नहीं किया, पहले अच्छे थे या अब अच्छे हैं, बाकी मजा जरूर आने वाला आप खेलने में। तो इसलिए और दोस्तों आपको हर अपडेट जानने के लिए आप ड्रीम इलेवन के लोग को आपको हर अपडेट का पता होना चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है मैं आपको टेलीग्राम पर भी बता देता हूं और वीडियो में भी आपके लिए पहले ही बना देता हूं, ताकि अपडेट्स का पता करके एक अच्छी टीम क्रिएट कर ले। और आपको पिच रिपोर्ट्स का पता करना है, ट्रंप कार्ड प्लेयर्स, और आप वाकई में एक यूनिक टीम और रिस्की टीम के साथ खेलना चाहते हैं, यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की बनाना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए जरूर कुछ हेल्पफुल हुई होगी, आप इससे एक अच्छी टीम बना सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।